वेलकम बैक एवरी वन टू एबल जॉब्स यूट्यूब चैनल मैं हूं ईशान शर्मा और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आई के प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम के बारे में इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्राम डिटेल्स प्रोग्राम में जो स्ट्रक्चर होगा फिर हम बात करेंगे प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कितनी आपको फीस पे करनी होगी और मैं आपको प्रोग्राम में जो आपको जॉब मिलेगी प्रोबेशनरी ऑफिसर की उसके बारे में बताऊंगा आपको क्या जॉब रोल होगा आपका कितनी सैलरी आपको मिल सकती है क्या इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो एंड तक देखें दोस्तों और अगर आप चाहते हो कि हम किसी दूसरे जॉब प्रोफाइल के ऊपर वीडियो बनाएं तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा और दोस्तों अगर आपको किसी भी कस्टमर और सेल्स वाली जॉब इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है तो फिर आप एबल जॉब्स एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इस जॉब के लिए आपको सबसे पहले इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना होगा जो कि आई ही करवाता है बेसिकली ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है विथ स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग इससे मतलब ये है कि आपको बैंकिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे और आपको वो सेल्स और रिलेशनशिप मैनेजमेंट रोल्स के लिए प्रिपेयर करेंगे ये बेसिकली एक वन ईयर फुल टाइम प्रोग्राम रहेगा इसमें आप जो आई का जो मणिपाल अकेडमी है वहाँ पर आप रह रहे होंगे और उसके बाद दोस्तों आपको गारंटीड जॉब मिलेगी एज अ डेप्यूटी मैनेजर बैंड वन एट आई सी आफ्टर द ट्रेनिंग तो बेसिकली इस एक साल को पूरे होने के बाद आपने जब ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपको गारंटीड जॉब मिलेगी आई आई में इसमें दोस्तों देखते हैं कि क्या प्रोग्राम स्ट्रक्चर होगा आपका इस पूरे एक साल में आप क्या क्या काम कर रहे होगे तो इसमें बेसिकली चार टर्म्स होते हैं जो फर्स्ट टर्म होता है वो चार महीने का होता है जिसमें आप सबसे पहले आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है एट आई एम ए बैंगलोर उसके बाद जो सेकंड टर्म होता है जो कि दो महीने का होता है इसमें आपकी इंटर्नशिप होती है एट आई बैंक तो बेसिकली आई बैंक में ही आप काम कर रहे होगे एज एन इंटर्न आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि वहाँ पर कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद आपका टर्म थ्री होता है जो कि दो महीने का होता है इसमें आपको क्लास ट्रेनिंग होती है अगेन आपकी एट आई एम बेंगलोर उसके बाद दोस्तों आपको टर्म फोर में चार महीने होते हैं जिसमें आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलती है आप जॉब में ही काम कर रहे होगे एट आई बैंक और वहां पर आपको ट्रेन करेंगे दोस्तों तो बेसिकली ये था प्रोग्राम स्ट्रक्चर अब देखते हैं कि क्या जॉब है ये एग्जैक्टली exactly और आप क्या काम कर रहे हो एज अ प्रोबेशन ऑफिसर तो बेसिकली आप रिलेशनशिप्स बना रहे हो क्लाइंट्स के साथ और उनकी को भी जो क्वेरीज हैं जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं जो भी डाउट्स हैं जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप आंसर कर रहे होगे उनको आप रिजोल्व कर रहे होगे बेसिकली जो भी क्लाइंट्स हैं आई बैंक के उनसे आप अच्छे से बात कर रहे होगे उनके अधिक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे होगे उसके बाद दोस्तों आप अक्वायर कर रहे हो नए कस्टमर्स को ये भी आपका काम रहेगा बेसिकली आप थ्रू एक्चुअली मीटिंग दम आप या तो उनसे फिजिकली जाकर के मिल सकते हो और उस तरह से आप नए कस्टमर्स एक्वायर कर सकते हो या फिर आप उनसे थ्रू कॉल आप सेल्स इंक्रीज कर सकते हो एट द एंड आपका बेसिक टारगेट होगा टू इंक्रीज सेल्स फॉर आईसीआईसीआई बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इसके बाद दोस्तों आप एडिशनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो होती हैं आईसीआईसीआई बैंक की वो आप सेल करने की कोशिश करेंगे इन क्लाइंट्स को जिनके साथ आपने अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखी है तो दोस्तों ये बेसिक आपका जॉब रोल है एज अ प्रोबेशन ऑफिसर एट आईसीआईसीआई बैंक अब इसमें जो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वह सैलरी आपकी रहेगी फ्रॉम थ्री लाख रुपीज टू फोर एंड हाफ लाख रुपीज पर एनम अब दोस्तों देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें अगर आपको इस जॉब के लिए क्वालिफाई करना है तो बेसिकली सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी स्पेशलाइजेशन में और इसमें आपके पास 55 परसेंटेज होना चाहिए आपकी इस डिग्री में और आपकी एज 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो अगर आपकी एज 27 से कम है तो आप डेफिनेटली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और अब प्रोग्राम फी की बात करें तो आपको कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट पे नहीं करनी है आपको बेसिकली आई से लोन लेना है फॉर थ्री लाख फिफ्टीन थाउजेंड प्लस एटीन परसेंट जी ये प्रोग्राम की फ़ी है इसको आप पे करोगे वंस यू गेट द जॉब इसमें आपको बेसिकली थ्री लाख सेवेंटी वन थाउजेंड जो ये अमाउंट है इसकी ई आपको पे तब करनी जब आपको जॉब मिल जाएगा बेसिकली आपके वन ईयर का जो प्रोग्राम होगा उसके बाद जैसे ही आपकी जॉब लगेगी तब से आप इसकी ई पे करना स्टार्ट कर दोगे दोस्तों ये थी बेसिक आपकी प्रोग्राम फी इसमें आपको 16,800 एडिशनल कॉस्ट भी रहेगी फॉर द टैबलेट फॉर कवर एस डी कार्ड एक्सेट्रा अब दोस्तों देखते हैं क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है आपका इसमें आपके बेसिकली चार इंटरव्यू राउंड होंगे हर एक इंटरव्यू राउंड को देखते हैं क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं तो सबसे पहले राउंड में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं टू अंडरस्टैंड आपका एप्टीट्यूड तो इसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं बेसिकली इसमें कुछ मैथ क्वेश्चन पूछते हैं कुछ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन पूछते हैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे टू टेस्ट योर इंग्लिश एबिलिटीज तो इसमें कुछ इंग्लिश ग्रामर वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हैं ये आपने पहले भी टेस्ट में देखे होंगे फिर दोस्तों देखते हैं आपका सेकेंड राउंड तो ये एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है इसमें आपसे कुछ बिहेवरल क्वेश्चन पूछते हैं कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं इन क्वेश्चन का कुछ पर्टिकुलरली राइट आंसर नहीं होता है बट दे जस्ट वॉन्ट टू सी कि आप आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है आप कैसे किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो तो ये बेसिक आपके क्वेश्चन हो सकते हैं आपके सेकेंड राउंड में फिर थर्ड राउंड में दोस्तों आपका एक ग्रुप डिस्कशन होगा इसमें बेसिकली सारे कैंडिडेट्स ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे और आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस टॉपिक में आपको इस ग्रुप में डिस्कस करना होगा जैसे ही कुछ आपको टॉपिक दे सकते हैं फॉर एग्जांपल पॉवर्टी इन इंडिया इंडियन विलेजेस स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस तो ये बेसिक कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको दे सकते हैं उनके ऊपर आपको बेसिकली ग्रुप में डिस्कस करना होगा उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि आपका आखिरी राउंड क्या हुआ तो बेसिकली आखिरी राउंड आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिनको मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ पहले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं टू अंडरस्टैंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो इसमें आपसे पूछ लेंगे कि इंट्रोड्यूस योर आपका गोल क्या है लाइफ में आपके हॉबीज क्या है आपका बैकग्राउंड क्या है फिर दोस्तों आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं टू अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट इन दिस जॉब तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर जो एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है वो क्या काम करता है किसी भी बैंक में फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे टू अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट इन द कंपनी तो इसमें आपसे पूछ लेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक में आपको काम क्यों करना है आप आई बैंक के बारे में क्या जानते हो आई बैंक का प्रेजेंट सी कौन है फिर दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं टू अंडरस्टैंड योर सेलिंग एबिलिटी आप कितने अच्छे से किसी भी चीज़ को सेल कर सकते हो तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैन यू सेल मी आर पेन और आप सेल्स में कंफर्टेबल हो कि नहीं या फिर आप किसी भी ब्राह्मण को फिश कैसे बेचोगे तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनसे समझ में आएगा कि आपकी सेलिंग एबिलिटी कैसी है फिर दोस्तों आपसे एट द एंड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं टू अंडरस्टैंड आपकी नॉलेज अबाउट बैंकिंग तो इसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है आपसे भी पूछ सकते हैं किसी भी क्रेडिट कार्ड की जो नंबर होता है उसमें कितने डिजिट्स होते हैं दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको फोर्थ राउंड में पूछ सकते हैं अगर आपको इनके आंसर्स जानना है अगर आपको जानना है कि आप कैसे इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो तो फिर आप एबल जॉब्स का जो ऐप है वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अब दोस्तों चलिए देखते हैं कि इस जॉब रोल के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है अब अप्लाई करने के लिए आपको आईसीआईसी बैंक करियर्स की वेबसाइट पर जाना है जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर वेब पेज खोल रखा है फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्रोग्राम अगर अप्लाई करना है तो आपको बेसिकली आईसीआईसी बैंक करियर्स की वेबसाइट पर जाना है ये होम पेज है इनका इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो यहां पर आप देख सकते हो प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम के लिए यहाँ पर पॉपअप आ चुका है यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करिए तो दोस्तों वहां पे क्लिक करने के बाद आपको ये वेब पेज पर रिडाइट कर देते हैं फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम यहाँ पे आपको अगर अप्लाई करना है तो नीचे स्क्रोल करके अप्लाई हियर का ऑप्शन है यहाँ पर इस पर क्लिक करिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर साइनअप करना होगा क्योंकि यहाँ पर एक न्यू यूज़र हो तो साइनअप पे क्लिक करिए यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है जैसे आपका नाम आपका डेट ऑफ बर्थ पैन नंबर मोबाइल नंबर ई मेल एड्रेस और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है उसके बाद आपसे वो आपकी एकेडमिक एक्डेमिकफार्मेशन पूछना चाहते हैं बेसिकली आपने कहाँ से डिग्री करी है कौन सी डिग्री करी है उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछेंगे और इस तरह से आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो तो दोस्तों अगर आपको इस जॉब ओपनिंग के लिए प्रिपेयर करना है फॉर प्रोबेशन ऑफिसर एट आई बैंक तो आप एबल जॉब्स का जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो बेसिकली इस ऐप में काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज होते हैं जिनमें एनरोल करके आप सीख सकते हो कैसे इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन को कैसे अच्छे से आंसर करना है और आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर सकते हो और कैसे आप इंटरव्यू में एक्सेल कर सकते हो तो दोस्तों इसको डाउनलोड कर सकते हो आप मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे जॉब प्रोफाइल के ऊपर वीडियो बनाएं तो अस नो इन द कमेंट्स थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो